दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर प्रदेश की बहराइच लोकसभा सीट से बीजेपी की दलित सांसद सावित्रीबाई फूले ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फूले ने सरकार की नीतियों के खिलाफ 1 अप्रैल को लखनऊ में प्रदर्शन करने और रैलियां करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी के सहयोगी दल पहले ही नाराजगी जता चुके हैं, जिसमें बहराइच की सांसद ने किसी भी नेता का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी के अंदर आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। सूत्रों का कहना है कि सावित्री बाई केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों से खफा है और वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाने की तैयारी में जुटी है। फूले ने कहा है कि इस सरकार में गरीब लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी और वहां भी अपनी नाराजगी जताई है। राजभर पहले ही कह चुके हैं कि वे 10 अप्रैल को अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वादे के मुताबिक बदलाव हो सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद योगी सरकार के खिलाफ सहयोगी पार्टियों ने आवाज बुलंद की है। ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर अपनी निराशा जाहिर की थी और कहा था कि वे सभी को साथ लेकर चलने में नाकाम रहे हैं। प्रदेश में ओबीसी समुदाय के नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही नहीं, आजमगढ़ से बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा था।